तो पिछले एपिसोड पे आप लोगों ने देखा, हमने बालाकोट से सफ़र किया था नारान तक, वो भी बाइक पे। तो अब जो नेक्स्ट जर्नी है वो हमारी स्टार्ट होने वाली है जी, नारान से बाबूसर पास तक। लेकिन ये सफ़र हम बाइक पे नहीं, जीप पे कर रहे हैं, क्योंकि मेरी फैमिली भी वहाँ थी, तो इसलिए हम लोगों ने फैसला किया हम लोग जीप पर ही जाएंगे। तो ये है जी सुबह सुबह के मनाजिर, सुबह 5:30 नारान में, और ये देखिए कितने खूबसूरत तरीन पहाड़, तो हम लोग जा रहे हैं जी बाबूसर टॉप। ये वाली जीप कराई हमने, ठीक है, 6,500 में बुक हुई है। तो अभी हम लोग यहाँ से सीधा जा रहे हैं बाबूसर टॉप, और तकरीबन अभी ये 6:30 हुए हैं, तो इंशाल्लाह जल्दी पहुँचेंगे। फ्रंट है यार, मैं वैसा आहो अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा पीछे से बैठना पड़ेगा। चलो तो वो जो आपको सफ़ेद पहाड़ी नज़र आ रही है ना, वो वाली, ये इधर इसके मतलब इसके बैक साइड पे है जी सैफुल मुल्क झील, और वो जो नज़र आ रही है ना बड़ी वाली सफ़ेद पहाड़ी, इसके बैक साइड इधर से आंसू झील नज़र आती है। तो लेकिन हम अभी इन दोनों से ऊपर जा रहे हैं, बाबूसर टॉप की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो आप लोगों को सारा सफ़र भी दिखाएंगे और आप लोग इंशाल्लाह मज़ा भी आएगा। तो ये नारान मज़ार से निकल चुके हैं, बाबूसर की तरफ जा रहे हैं हम इंशाल्लाह। कितनी देर लगेगी वैसे? 3 घंटे 3 घंटे लगभग लग जाएंगे हमारे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग डायरेक्ट बाबूसर जाएंगे, बीच में बाटा कुंडी, जलखंड, बेसल, लुलूसर झील कहीं भी नहीं रुकेंगे, सबसे पहले हम लोग जाएंगे बाबूसर। वापसी भी हम लोग स्टे करते हुए आएंगे, क्योंकि रश काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से ट्रैफिक ब्लॉक भी हो जाती है, ठीक है, ऑलमोस्ट ज़्यादातर ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है जब आप लोग बाबूसर की तरफ जाते हैं। तो इसलिए हम लोग सुबह जल्दी निकले थे, तकरीबन 6:30 और 3 घंटे का ये सफ़र हम लोगों ने, हमारे जीप वाले ने हमें 2 घंटे में बाबूसर पहुंचा दिया था, क्योंकि सड़कें बिल्कुल क्लीन थी, साफ थी, कोई ज़्यादा रश नहीं था। हम तकरीबन 2 घंटे में बाबूसर पहुँच चुके थे। जब हम वापसी पर आए तो काफ़ी ज़्यादा रश हो चुका था, ट्रैफिक वगैरह ब्लॉक थी, लेकिन हम लोग मतलब बाबूसर पहुँच चुके थे और वापसी पर हम लोग हर जगह स्टे किया था हमने। बाबूसर तो अभी कितना खूबसूरत रास्ता है यार,
कौन सा? यार कितना चौड़ा हो गया यार, थे बहुत बड़ा दरिया हो चुका है। देखिए तो ये जो व्यू है, ये सामने आ चुका है ग्लेशियर, जो कि इन्होंने काट के बाबूसर का रास्ता खोला है। हाल इस तो बड़े होने लगे, ये ग्लेशियर काटा हुआ है। तो खुलना के कोल ग्लेशियर आ गया। सड़कें शुक्र है साफ है बिल्कुल सारी, कारपेट रोड है, तो टेंशन। ये है जी, ये देखिए जबरदस्त सीन। रवि जो भी पंजाब देखा होता जी, सारा बाटा कुंडी है जी, इंतहाई खूबसूरत है, और खूबसूरत दिखा जा रहा है।
इतना बड़ा ग्लेशियर कटा हुआ है। ये सर ग्लेशियर कितना बड़ा है ये वाला। अबे ये कटिंग ना करे तो कहाँ से खुलना है इन्होंने। अच्छा कम से कम 20-25 फुट है यार, 5 बंदे खंड कहाँ जाके बंद है। एक पानी चेक करो यार, कट छड़े ने वो नहीं कहते सभी बाबू सर नहीं खुल सकता, कभी नहीं खुल सकता है। ग्लेशियर ही इतने बड़े बड़े हैं। किस चीज के पहाड़ हैं यार, इतने इतने बड़े। यहाँ से रह चुका जी 12 किलोमीटर, और 12 किलोमीटर में तकरीबन अच्छा खासा टाइम लगना है हमारा अभी, और बहुत ही ज़बरदस्त पहाड़ वगैरह अगे नहीं होते दूसरी साइड सर घबराहट मुर्गियां ठंड ना मार रही ना जान। ये वो गर्मी है तो इतनी 15 तक के मुक जाएगी। अच्छा जुलाई तक का। अच्छा जुलाई तक नहीं जाएगी, अगस्त तक खत्म हो जाती है। हां खत्म हो जाती है, फिर खत्म हो जाती है, फिर पड़ने लगती है। Finally,
ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਜਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੀ ਬਣਾਓ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਫਾਈਨਲ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਕਟਾ ਕਰਦੇ ਇਹ ਆ ਗਏ ਜੀ ਟੋਟ ਮੇ ਗਾੜੀਆਂ ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਿਆ 12 ਬਾਬੂ ਸਰ 13000 ਉਹ ਬੋਰਡ ਨਾ ਪਿਆ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਬਖਾਂਦੇ ਨੇ तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बाबूसर टॉप और आप लोगों को व्यू दिखाएंगे इसके काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत व्यू हैं और आप लोगों ने रास्ते देखे हैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत रास्ते हैं ज़रूर आइए तकरीबन 4 दिन में बाबूसर को खुले और काफ़ी ज़्यादा मतलब अभी बर्फ़ है आप लोग आ सकते हैं ताकि बर्फ़ खत्म होने से पहले पहले बहुत ही प्यारे नज़ारे हैं यार मज़ा आ गया देख कर ही बाकी और भी नज़ारे देखेंगे इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना ठीक है तो ये देखिए सीन क्या ज़बरदस्त सीन है आप लोग ये देखिए ज़रा कितना प्यारा सीन है ठीक है अबे यार बर्फ़ नीचे फिसल वाह यार फिसलने में मैं गर्मियों वाले शूज़ लेकर आया हूँ मतलब स्नीकर पहन के आया हूँ ना तो मुझे नहीं था अंदाज़ा इतनी बर्फ़ भरी होगी इतना ग्लेशियर जमा होगा तो लेकिन अगर आप आए हों तो शूज़ लाजमी सर्दियों वाले साथ लेकर आना ताकि यहाँ आपको पहनना पड़े तो नांगा पर्वत भी दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ से नांगा पर्वत भी नज़र आएगा यहाँ का मौसम का कोई भरोसा नहीं है जब मर्जी बदल सकता है ठीक हो गया तो नांगा पर्वत देखते हैं इस साइड नांगा पर्वत यहाँ से नज़र आता है एक वाहिद पॉइंट है यहाँ से नांगा पर्वत आप लोग देख सकते हो लेकिन ये जो सीन है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है मज़ेदार है यार सीन बहुत ही प्यारा सीन है तो ये हम ऊपर जाए जा रहे हैं तो ये देखिए ज़रा ये देखिए ये है जी बाबूसर टॉप हवा काफ़ी ठंडी हवा है कौन सा नांगा पर्वत है जी वो ही पहाड़ी है वो बीच में है जो नांगा पर्वत है जी जूम क्यों नहीं हो रहा दबो ट्रैक्टर थोड़ा ये है जी नांगा पर्वत नांगा पर्वत अल्लाह माशाल्लाह तो ये पहाड़ किस मतलब ये देखिए पत्थर ईंटे शींटे बन चुकी हैं पत्थर टूटे हुए हैं पहाड़ सारा मतलब सारी ईंटे बनी हुई हैं वो सामने आप लोगों को नज़र दिखाता हूँ आप लोगों को भाई जूम हो जाओ क्यों नहीं हो रहा यार ये तो मुझे ये देखिए ज़रा यहाँ से कहते हैं ये है जी नांगा पर्वत ठीक है मैं और जूम करूँगा लेकिन फिक्सल फट जाएंगे ये सबसे बड़ी है आपको जो नज़र आ रही है ठीक है ये देखिए ज़रा चारों तरफ नज़र मारेंगे तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती नज़र आएगी हर तरफ खूबसूरती खूबसूरती ये पहाड़ देखिए मैंने सोचता यार इस पहाड़ में मैं जा सकता हूँ बड़े इजीली लेकिन ये सिर्फ मतलब बातें ही कहने की ठीक है आप हिम्मत कर सकते हैं कोई बंदा लेकिन कोई आपको घंटा डेढ़ घंटा लगेगा ऊपर चढ़ जाएंगे ठीक है लेकिन ये पत्थर जो है ना ये देखिए ना इस तरह के हैं मतलब सारे टूटे फूटे इस तरह के जीप से पत्थर हैं यहाँ चढ़ने के लिए मैं ये स्नीकर पहन के आया हूँ तो गलती की है यहाँ शूज़ अच्छे लेके आने चाहिए जॉगर वगैरह तो तभी आप लोग हाइकिंग कर सकते हो इजीली मुश्किल नहीं है हाइकिंग ईजी है लेकिन ये देखिए सीन